नैन्सी, तेरे मुताबिक तूने एक भयानक सपना देखा सुबह सुबह, जिसमें तू एक अनजान रास्ते पर चल रही थी और आगे मंजिल पर पहुंचने पर तुझे पता चला कि वहां पे एक लड़की है जो बिल्कुल तेरी जैसी दिखती है और उसे दो लड़कों ने किडनैप भी कर रखा है। अरे यार, ये ना कुछ भी बोलती है और कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। तो पागल हो गई है, इतनी मूवीज देखती है। अब ऐसे तो इसके मुताबिक जैसे मूवी में हो रहा है, इसको घर में एक पुराना संदूक मिलेगा जो इसकी माँ ने इसके लिए छोड़ा होगा। अब ये जाएगी, वो संदूक ढूंढेगी और वो संदूक लेकर आएगी और उसको रखेगी और उसको खोल के देखेगी और उसमें इसे अपनी माँ का पुराना सामान मिलेगा, जैसे पुरानी कंघी, पुराना शीशा या कोई पुरानी सी किताब। अरे, इसकी माँ का लेटर भी तो हो सकता है उसमें। ये देख, बिल्कुल इस मूवी की तरह इसको एक पुराना लेटर मिलेगा और उस लेटर में इसकी माँ का प्यार भरा संदेशा होगा इसके लिए, जो इसकी जिंदगी बदल देगा। अरे हाँ हाँ हाँ, यही सब तो बोलने वाली थी मैं। सच में पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। नैन्सी, तू ना बहुत ज्यादा मूवीज देखने लगी है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, पागल हो जाएगी तू, मूवीज मत देखा कर बेवकूफ। अरे बेवकूफों, मैं झूठ नहीं बोल रही, पीछे देखो मुड़ के। क्या लिखा है इसमें? ये देखो, मेरी माँ का लिखा हुआ लेटर। ऐसे कैसे हो सकता है? और वही सामान है बिल्कुल जैसे हमने कहा था, मूवी की तरह। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन तेरी मम्मी इन ताश के पत्तों को क्या करती थी? जुआरी थी क्या? अबे चुप कर। फैमिली फोटो? ये देखो, इसमें दो लड़कियां हैं, बिल्कुल एक जैसी शक्ल की। एक तो तू है, दूसरी कौन है? देखा, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि मेरे सपने से कोई ना कोई सच जरूर जुड़ा हुआ है। अबे यार, तू पागल हो गई है क्या? चल ठीक है, माना हमने कि जितना हम दोनों ने कहा वो सब सच है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरा सपना भी सच होगा। मुझे भी नहीं पता कि ये पूरी बात सच है या नहीं। मेरा वो सपना जो मुझे हर रोज दिखता है, वो सच में है या नहीं? पर इस लेटर से हमें ये तो पता चल गया ना कि मेरी एक जुड़वा बहन थी, तो अगर वो खतरे में हुई तो हमें उसे बचाना चाहिए ना। पर अगर ये सब सच नहीं हुआ तो? अब सच है या नहीं ये तो जाकर ही पता लगेगा ना। हम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा, तुम लोग फटाफट से तैयार हो जाओ। ठीक है, चल डॉली। क्या बन के आई हो? ऐसे जाएंगे हम किडनैपर से लड़ने? यार, तूने तो बताया था ना कि तेरे सपने में वो जिस रास्ते पे जा रहे थे वो बहुत ही ज्यादा सुनसान रास्ता है ना? तो इसीलिए जिंदा आए या ना आए, जान जाए पर पैशन ना जाए। अब यार, क्या पता कितने दिन लग जाए उसको बचाने में, तो भूखे थोड़ी रहेंगे। अब किसे पता है, मरेंगे या जिएंगे, लेकिन भूखा नहीं मरेंगे। तुम दोनों नहीं सुधरोगी, चलो अब।
हेलो साहब, हमारे देश में आतंकवादी घुसा है साहब। अरे नहीं नहीं सर, हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है, हम तो बच्चे हैं बस, मासूम से। ऐसा उल्लेख क्यों बना रखा जैसे बैंक लूटने जा रहे हो? अरे नहीं सर, वहाँ पे ना दो किडनैपर्स, वो हमारे कॉलेज में ना फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, तो वही बस किडनैपर्स बन के जा रहे हैं, लग रहे ना सर असली में किडनैपर्स। और हाँ, ये पीछे वाली लड़की मास्क उतार। देखो सर, कुछ भी नहीं है, कितनी सुंदर लड़की है, आप बिना ऐसे चेक करे जा रहे हो बस। डिग्गी चेक करवाना। अरे पर सर, डिग्गी क्यों खुलवानी है? मैंने कहा ना डिग्गी चेक करवाओ तो चेक करवाओ। अरे सर, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी डिग्गी में कोई गन हो। कह दिया ना एक बार, चेक करो। कर लो आप चेक, चल डॉल। अरे सर, दिखा दे इनको। बेटा जी, इसमें चाबी भी लगती है। दे देना चाबी, क्या कर रही है? गन। सर ये तो गन नकली है सर। क्या आप भी ना मुझे भी डरा रहे थे? नकली है सर, फैंसी ड्रेस में भी तो जीतना है ना, सामान लेके चली हूँ मैं तो। जाएं सर अब हम? आ जाओ। अरे अपना उलिया ठीक कर लो, हेलमेट भी पहन लेना। ठीक है सर, चलो। अरे नैन्सी, तू पागल हो गई क्या? तुमने उनको बताया क्यों नहीं किडनैपर्स के बारे में? ये पुलिस है, हम इनकी हेल्प ले सकते हैं ना। अरे पागल, और अगर ये सब झूठ निकला ना तो हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और फिर बन के घूमियो तो वहाँ पे उर्फी जावेद। बेटा जी, इसमें चाबी भी लगती है। चाबी सर दे दो। थैंक यू सर। ओए वो रही बिल्डिंग, यही वाली बिल्डिंग देखी थी मैंने सपने में। अबे बीड़ू, ये तो सेम तेरी जैसी दिखती है। हाँ यार, बिल्कुल नैन्सी जैसी। ऐसा तो बस फिल्मों में ही देखा था यार, जुड़वा भाई जुड़वा बहन। आज तो हकीकत में भी देख लिया, इसका मतलब नैन्सी का सपना सच था। लेकिन यार इसका ना फैशन सेंस अच्छा नहीं है, देखियो कैसे सिंपल से कपड़े पहने हुए इसने। वैसे इसकी नाक ज्यादा अच्छी नहीं है, नैन्सी की देखिए कैसी मोटी सी है। हाँ ये तो सही कह रही है तू। लेकिन यार उसकी आंखें देख कितनी सुंदर हैं। हम तो सोचते थे नैन्सी की आंखें सबसे सुंदर हैं, पर यहाँ तो इसकी आंखें और भी ज्यादा सुंदर हैं। क्या फायदा सुंदर आंखों का, चश्मा लगा रखा है यार उसने तो। मतलब मैं हकीकत में ऐसी दिखती हूँ? पेपर्स कहाँ हैं? अरे वो सब छोड़ो तुम, पर ये बातें क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की? और जो तू 100 करोड़ की मालकिन है ना, खाली आज आज के लिए, क्योंकि तेरे मरने के बाद तो उसके मालिक हम होंगे ना। 100 करोड़ मालकिन? तू रुक, इस पर नजर रख, मैं देखता हूँ। ठीक है बॉस। मुझे लगा मैंने कुछ सुना।
मालिक मैं देख के आता हूँ। देख क्या? ए हिम्मत, जल्दी से बांधो इसे, फिर दूसरे वाले को भी तो ठिकाने लगाना है। तू उल्टे काम करेगा हुँ? इस छचुंदर का तो काम तमाम कर दिया, अब दूसरे वाले को क्या करे? नैंसी, मेरा इतना सजने धजने का क्या फायदा? हाँ तो मैं जाकर उस दूसरे वाले का ध्यान भटकाती हूँ और तुम दोनों हमारा दूसरा हथियार लेकर आओ पीछे से। ओके नाइस प्लान। एक्सक्यूज मी, कौन? मैं एक्चुअली मैं ना यहाँ पर न्यू हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ, तो क्या आप प्लीज मुझे सही रास्ता दिखा देंगे? जी जरूर। अब लग रही है तो बिल्कुल मेरी तरह सेक्सी। हाय। साले ग्रीन मैंगो मोर कुत्ते कमीने, साले तुम जैसे लोग मर क्यों नहीं जाते? तुम लोग को शर्म नहीं आती कि लड़के किडनैप करते हो? तुम जैसे लोग तो गाली भी कम पड़ जाती है। कुत्ता कहीं का समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाली बकू तेरे को? साले तेरी बहन की भी सुअर कहीं का। तुम लोगों को तो मरने के बाद कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो। हाँ और तुम मेरे जैसी, और शायद हम दोनों बहनें हैं। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सुरेश। और तुम्हारी माँ का नाम क्या था? सुषमा। मतलब हम दोनों सच में बहने हैं, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ और हम दोनों बहने हैं? तो मैंने जो भी सब कुछ आज सुबह सपने में देखा और इतने दिनों से देख रही थी वो सब कुछ सच था। आज सुबह ही मुझे इसलिए मैं और मेरी दोस्त तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन किडनैपर्स ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था? दरअसल अनाथ आश्रम से जिस फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों की डेथ हो गई तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम कर दी थी, और इसी चक्कर में किडनैपर्स सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मुझे किडनैप करके यहाँ लेके आए। थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। अब इससे पहले वो गुंडे दोबारा आ जाए हम लोग चलते हैं यहाँ से। मुझे मेरे परिवार का हिस्सा मिल गया, मुझे मेरी बहन मिल गई, अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। इसी ने सही बोला है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब 100 करोड़ में से 50 करोड़ की मालकिन तो मैं भी हुई। अब तो अपना घर, अपनी गाड़ी,